नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज 11 खबर। मध्य प्रदेश के विदिशा से जहां बेरोजगार युवा आरपीएफ की वर्दी पहनकर युवा ने रचाली शादी, असलियत सामने आई तो पत्नी ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। युवा पहुंचा सलाखों के पीछे। बताते चले कि एक बेरोजगार युवा जो खुद को आरपीएफ जवान बताकर शादी का मामला सामने आया। पूरा मामला विदिशा जिले के कुरवाई थाना अंतर्गत जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ग्राम कोठा निवासी रूप सिंह अहिरवार नामक युवक ने खाकी वर्दी पहनकर खुद को आरपीएफ जवान बताकर फर्जी तरीके से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी से दो दिन पहले जब लड़की वाले लड़के के घर सगाई की रस्म करने आए तो लड़का खाकी वर्दी पहने हुए था, साथ ही आईडी कार्ड भी लगाए हुए था। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब उसने लड़की वालों को अपनी पे स्लिप दिखाई जिससे कि उन्हें विश्वास हो जाए। दो दिन बाद दोनों की शादी रीति रिवाज के साथ हुई। शादी के बाद जब रिश्तेदारों के माध्यम से पता चला कि लड़का बेरोजगार है, पत्नी को जानकारी लगते ही पत्नी ने थाने में जाकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। आप देखते रहें न्यूज 11 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।